एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और महाराजपुर विधानसभा सीट प्रत्याशी रह चुके मनोज शुक्ला और बबलू और उसके गुर्गों के खिलाफ सोमवार को मनोहर बिहार गंगापुर इलाके में ही रहने वाली रेनू पांडे अपने परिजनों के साथ पुलिस आयुक्त के यहां पेश हुई और सपा नेता पर मकान कब्जाने के लिए गुर्गे द्वारा पजमकर पथराव करवाया गया, जिस दौरान पति संदीप पांडे की मौत हो गई। जैसे संगीन आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिस पर पुलिस आयुक्त कार्यालय से मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पीड़िता के जेठ कुलदीप पांडे ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय राधेश्याम पांडे ने सपा नेता मनोज शुक्ला और गोविंद शुक्ला से 10 वर्ष पहले कुछ जमीनें खरीदी, जिसमें 3 मकान का निर्माण करवाकर उनकी और उनके भाइयों के परिवार निवास कर रहे हैं। वहीं कुछ जमीन खाली पड़ी थी। आरोपी की सपा नेता और गोविंद शुक्ला खाली पड़ी जमीनों पर जबरन कब्जा करके निर्माण कराकर बेच रहे हैं। बकौल कुलदीप, जब उसने दबंगों की शिकायत डीएम से की तो जिसकी जानकारी होने पर 9 अगस्त को दबंग सपा नेता 50-60 आदमी भेजकर ईंटा पत्थर व लोहे की रॉड चलाने लगे। पथराव का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। कुलदीप और उसके परिवार ने आरोप लगाया कि पथराव और मारपीट की घटना में भाई संदीप पांडे की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के सैन पश्चिम पारा पुलिस ने बगैर पोस्टमार्टम करवाया उसका जबरन दाह संस्कार करवा दिया और मुकदमा भी नहीं दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस आयुक्त कार्यालय में 16 अगस्त को शिकायत की तो वहां से एसीपी घाटमपुर को कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन 15 दिन बीतने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर सोमवार को फिर पुलिस आयुक्त के यहां न्याय की गुहार लगाई है। एनटीवी टाइम के लिए कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। प्लाट का है, प्लाट पे हमारे प्लाट पर जबरदस्ती जबरन कब्जा कर रहा है वो। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? मनोज शुक्ला समाजवादी पार्टी के हैं। किस तरह से कब्जा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये हमारा है पर उनका नहीं है, हमारा बना हुआ आधा बन गया, आधा हमारा पड़ा हुआ है, तो जबरदस्ती अपना कर रहे हैं। वो गुंडे उंडे भेज करके अपना ईंटा पत्थर चलवाते हैं और हमारा देवर भी बैठा था बरंदे में, उसके पेट में दिक्कत थी, उसके पेट में लगने के नाते उसकी भी हत्या हो गई। मतलब वो भी अपना 2 दिन के बाद खत्म हो गया हमारा देवर। किस तरह से परेशान कर रहे आपको ये? हम लोगों को जबरदस्ती हमारा ही ताला लगा हुआ, पर हमारा ताला को तोड़ करके अंदर जा रहे हैं, जबरदस्ती उसको बनवा रहे हैं आगे का सब काम जबरन कर रहे हैं। कौन है ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं? ये माफिया टाइप के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, मनोज शुक्ला नाम। कुलदीप पांडे मेरा नाम है, गंगापुर पनका में रहते हैं और मनोज शुक्ला ने हमारे प्लाट पर कब्जा किया है, उन्होंने मारपीट करी है, मेरे भाई भी ख़त्म हो गया मारपीट से, ईटा गुम्मा पत्थर राड से मारा गया मेरे भाई को। ये डेली आए दिन गुंडई कर रहे हैं, महाराजपुर सपा प्रत्याशी रह चुके हैं, पहले बसपा में थे, अब ये सपा में हो गए हैं और ये अब भू माफिया टाइप के आदमी है, डेली आए दिन परेशान कर रहे हैं, डेली 10-20 गुंडे भेज रहे हैं और उसी में मेरे भाई की हत्या करा दी नहीं है, डेली वहाँ गुम्मा चलवा रहे हैं और मेरी हत्या करवाने के प्रयास में ही लगे हैं। कह रहे हैं तुम्हें भी हम जान से मरवा देंगे, 2 भाई खत्म हो गए, पिताजी खत्म हो गए, कह रहे तुम्हें भी जान से मरवा देंगे। इसकी सूचना हमने आज का हर अधिकारियों को दे दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी, तो आज कमिश्नर साहब के पास गए थे तो उनको आज एप्लीकेशन दिया है और पिछला भी एप्लीकेशन हमने लगाया था तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आज तुम्हारी कार्रवाई करी जाएगी, 302 नहीं 304 लिखी जाएगी, जो भी लिखी जाएगी कह रहे बताएंगे, आज 2 दिन में रिपोर्ट उन्होंने मांगा है घाटमपुर सीओ से, तो हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और ये हमारी जमीन छोड़ दें। थाने गए थे तो क्या हुआ? थाने गए थे, भगा दिया गया। किसने भगाया? एसओ साहब ने। आज इसकी शिकायत कमिश्नर साहब के पास करने गए थे तो कमिश्नर साहब ने एक्शन लिया, घाटमपुर फोन किया, उन्होंने कहा कि इसकी कार्रवाई हमें 2 दिन में चाहिए। अब पथराव की सब वीडियो है, ये देखिए हमारे घर पे पथराव डेली कराते हैं, इनका आए दिन यही काम है, डेली गुंडा 25 भेज रहे हैं और इसी गुम्मे के कारण और रोहे की राड के कारण मेरे भाई को जबरदस्ती ताला तोड़ के इन्होंने मारा है, घर का प्लाट तोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया इन्होंने और कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं जान से मरवा देंगे हम। ये मेरे भाई का दाह संस्कार करवा दिया, चौकी इंचार्ज इस लोगों ने दबाव डाला के कहीं जाओ इसको दाह संस्कार कराओ फिर हम तुम्हारा काम करते हैं, फिर उन्होंने हमें झांसे में रख के फिर हमारा कुछ नहीं किया इन्होंने और उसके ऊपर से हमारे ऊपर मुकदमा लगवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक भाई बचा है इसका ऊपर मुकदमा करवा दो नहीं तो इसकी हत्या करवा दो, काम खत्म हो जाएगा। आए दिन ये मेरे इसी चक्कर में लगे हैं, मेरी हत्या करवाने में लगे हैं साहब। खबरें तो देश से बहुत आती है
लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।